से शुरू से ही कहते थे कि बेटियों को संभाल के रखना चाहिए। ये सब आपकी गलती है बादशाह सलामत, आपने इन्हें बिगाड़ा है, आप ही इन्हें संभालिए और जो भी करना है जल्दी कीजिए, वरना हम यास्मीन को अपने बड़े भाई की सल्तनत भेज देंगे। अम्मी, अब्बू, नहीं, तुम हमारी बेटी नहीं हो सकती। ऐसा मत कहिए, अब्बू हम आपकी बेटी है। अब्बू नहीं, हमारी बेटी को सही गलत की समझती, अपनी जिम्मेदारी समझती थी, वो सच्ची और साफ दिल की थी, हमें अपना दोस्त मानती थी, हमसे इतनी मोहब्बत करती थी कि हमसे कभी झूठ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आप हमारी यास्मीन नहीं हो सकती, हमारी वो बेटी कहाँ है? अब्बू, हम आपकी यास्मीन है, देखिए हमारी तरफ। अब्बू, बस एक बार आप अलादीन को मिलके तो देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हमारा दिल तोड़ दिया है। अपने अब्बू का सर शर्म से झुका दिया है, और आप यकीन की बात तो मत ही कीजिए। आप गलत सोच रहे हैं अब्बू, अलादीन गरीबों का मसीहा है। खामोश, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक आम लड़के की आप पर इतनी दिलचस्पी क्यों है। क्योंकि आपकी वजह से हमारे हाथ बच जाए और वो गुनहगार होने के बाद भी हम उसे सजा ना दे पाए। पर अब्बू, वो तो ये भी नहीं चाहता कि हम शहजादी हैं। ऐसा आपको लगता है? काला चोर, छूटा, मौका परस्त, धोखेबाज, गद्दार। जिसे आप मिले नहीं है, जिसे आप जानते नहीं है, उसके बारे में आप इतनी सारी राय कैसे बना सकते हैं? आपके लिए हो ना हो, हमारे लिए ये जान लेना ही काफी है कि वो काला चोर है। हमें आज पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि आपकी अम्मी बिल्कुल सही थी। हमें आपको इतनी आसानी नहीं देनी चाहिए थी। आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको भी लगता है अम्मी की तरह कि बेटियों को परिंदों की तरह पिंजरे में बंद रखना चाहिए? क्या आपको भी आपकी परवरिश पर शक हो रहा है? अब्बू, क्या फिर नहीं, क्या फिर बात कुछ और है? सच सिर्फ हमने नहीं छुपा, सच तो आप भी छुपा रहे हैं ना? ये सच कि आप भी बेटों और बेटियों को बराबर नहीं समझते, ये सच कि आपको भी लगता है कि लड़कियों को चार दीवार में बंद होकर रह जाना चाहिए घर पर, ये सच कि आपके लिए भी आपकी बेटी बोझ है। बस, इससे पहले कि हम अपना आपा खो जाएं, चले जाइए आप यहां से, हमें आपकी शक्ल नहीं देखनी है। यही अगर अलादीन कोई शहजादा होता या कोई रईस खानदान से होता तो ये सब तमाशा होता ही नहीं। हम जानते हैं आपको तकलीफ इस बात से नहीं है कि वो काला चोर है, आपको तकलीफ इस बात से है कि वो आम आदमी है। हम जानते हैं। शहजादी यास्मीन,
आपकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमने सारी बातें सुन ली। आप फिक्र मत करें, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारा मतलब है, इस मुश्किल दौर में हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी जिसके दिल में जुनून होता है, मोहब्बत होती है, उसे कोई हरा नहीं सकता। आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। वजीर आला, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार गए। बादशाह सलामत, ऐसी बातें मत कीजिए। बस हमें ऐसा लगता है कि आप अपना फैसला लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। आप बगदाद के बादशाह और शहजादी यास्मीन के अब्बू होने के नाते आपको अलादीन को अपनी बात कहने का एक मौका देना चाहिए। ये जानने के बाद भी कि वो काला चोर है। आपने हमेशा शहजादी यास्मीन के फैसले और राय को अहमियत दी है, और हम चाहेंगे कि इस बार भी आप वही करें। अब एक बार अलादीन से मिल लें, फिर उसके बाद चाहे जैसे आपकी मर्जी। ठीक है वजीर आला, अलादीन को फौरन बुलाइए। अब महल में और झूठ नहीं कहा जाएगा, हम भी उससे अपनी पहचान छुपा के नहीं मिलेंगे। अलादीन को कहलवा दीजिए कि उसे बगदाद के शहंशाह ने फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है। ये काली रात तो वाकई हमारे हर ख्वाब को सजाने के लिए आई है। बेहतरीन जी। नकचड़ी, नकचड़ी कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? नकचड़ी, काले चोर। शुक्रिया खुदा का कि तुम ठीक हो। तुम ठीक हो नकचड़ी? काले चोर, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। नकचड़ी, मुझे मालूम हो गया है कि मच्छर कौन है। तुम यकीन नहीं करोगी। वजीर आला, दिल थाम लो, क्योंकि ये खबर किसी को भी ऊपर से नीचे तक हिला देने के लिए काफी है। मच्छर कोई और नहीं, बगदाद के बादशाह सलामत हैं। मुझे पता था तुम्हारा भी ऐसा ही मेरे जैसा हाल होगा। सोचो नकचड़ी, बादशाह सलामत जो बगदाद के सामने इतने अच्छे और साफ होने का नाटक करते हैं, वो हम सबको इतने दिनों से बेवकूफ तुम हो काले चोर। खबरदार, अगर बादशाह सलामत के बारे में ऐसी घटिया बात की तुमने तो। मैं जानता हूँ नकचड़ी, मुझ पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुच्छड़ अपने खुफिया कमरे में था, अपना हुलिया बदल रहा था। पहले मुच्छड़ था, फिर बादशाह सलामत। हमने आज तक तुम्हारी हर बात पे यकीन किया है काली चोर, सब कुछ पाना है। हम ये बात नहीं मान सकते, तुम्हें कोई
गलत फहमी हुई है काले चोर। नकचड़ी, मैंने बताया ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बादशाह सलामत ही मुच्छड़ है। उसने मुझसे मेरे जीनू को छीन कर अपने जैसे बुरा और खुदगर्ज बना दिया। खबरदार! खबरदार, अगर हमारे बादशाह सलामत के बारे में तुमने एक और ऐसी चीज बोली काले चोर, तुम्हारा जिनू, तुम्हारा चिराग, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा घर, अपने अलावा और किसी के बारे में सोचा है तुमने आज तक? हमें लगता है कि तुम सही और गलत में फर्क भूल गए हो काले चोर। तभी तो कल तुम वजीर आला को पुच्छड़ बोल रहे थे, आज हमारे बादशाह सलामत को तुम मुच्छड़ बोल रहे हो, कल तो तुम हमें मुच्छड़ बोलोगे। अपना पागलपन बंद करो काले चोर। नहीं ना, क्यों तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे लगा कि तुम मेरी मदद करो। ठीक है, मुझे तुम बताओ कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि बादशाह सलामत मुच्छड़ नहीं है? क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ, वो हमारे। तुमने फैसला कर लिया है ना कि बादशाह सलामत ही मुच्छड़ है, तो फिर ठीक है, हमें भी तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है काले चोर। तुम जो सोच रहे हो ना, वो सोचो, हम जा रहे हैं। नकचड़ी, 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 इतने गुस्से में क्यों है? ऐसा सोचने पहले कभी नहीं किया, कुछ तो सही नहीं है। गुल्लू नहीं, सूबेदार गुलबदन। क्यों गुल्लू, मैंने कुछ नहीं किया। बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरन अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया है। लेके चले इसे। सही कहते थे, इंसान मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है। मुझे तुम्हारा राज मालूम हो गया है मुच्छड़, अब अलादीन तुम्हारा इंसाफ करेगा। बाप अपनी औलाद को विरासत में सिर्फ मोहब्बत नहीं देता, उसे अपना हुनर देता है और अपनी फितरत भी। एक बहादुर अपनी औलाद को बहादुरी सिखाता है, सच्चा सच बोलना सिखाता है, और एक बादशाह हुकूमत करना सिखाता है, और एक गद्दार गद्दारी करना सिखाता है। तुम उमर के बेटे हो ना, वही उमर जिसने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, जिसने अपनी मिट्टी और अपने बगदाद को दुश्मनों के हाथों बेचने की साजिश की, और बुस्तिलों की तरह यहां से भाग गया। लोगों की रगों में खून बहता है, लेकिन तुम्हारी रगों में गद्दारी बह रही है। और ये लगा पहला तीर निशाने पर। हाँ, मैं उमर का बेटा हूं।
पर मेरे अब्बू भगौड़े नहीं थे, ना ही बुजदिल थे और ना ही गद्दार। अच्छा, अगर ऐसा होता तो तुम एक नेक इंसान बनते, लेकिन उमर से विरासत में तुम्हें बेईमानी और गद्दारी जो मिली थी, इसीलिए तुम एक काले चोर बने हो। मेरी अम्मी कहती है कि मैं बिल्कुल अपने अब्बू पे गया हूं, झूठ नहीं बोलता, आज भी नहीं बोलूंगा। हां, मैं ही काला चोर। और क्या क्या बताया तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने? ये नहीं बताया कि तुम्हारा बाप उमर आस्तीन का सांप था जो मौका मिलते ही मुल्क को डस गया? आज उमर हमारे सामने आ जाए तो हम उसे जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि मौत की सजा उसके लिए बहुत मामूली और छोटी होगी। हम उसे इतना दर्द देंगे कि दर्द भी उठ उठकर परेशान हो जाएगा। उमर तो हमारे हाथों से बच निकला, लेकिन तुम पकड़े गए। चेहरा मासूम, दिल फरेबी, फितरतन चोर, तुम वाकई उमर के बेटे हो। उसी की तरह है, हमारे और बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन हो। महल के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। आप अपने बगदाद के लिए जान छिड़कते हैं ना, तो कभी उसकी गलियों में आकर देखिए। सिर्फ एक बार सिपाहियों से मिली खबर नहीं, अपनी आवाम की आवाज सुनिए, बातें सुनिए, सच सुनिए। चुप हो जाओ काले चोर। क्यों? आप तो इंसाफ का साथ देते हैं ना, तो क्या मुझे मेरी बातें कहने का मौका नहीं मिलेगा? हां, मैं काला चोर हूं, लेकिन मैं दौलत से नहीं, बगदाद से। मैं बगदाद के लोगों से मोहब्बत करता हूं, जैसे मेरे अप्पू करते थे। किसी भी आम या गरीब इंसान से पूछ लीजिए कि क्या काले चोर ने कभी उसे सताया है, कि क्या काले चोर ने कभी उनसे कुछ छीना है, कि क्या वो काले चोर से नफरत करते हैं? जवाब आपको ना ही मिलेगा। हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि तुम्हारा बाप बगदाद के लिए धब्बा था और तुम भी बगदाद के लिए एक धब्बा हो। बस। बगदाद की शहजादी है, एक आम लड़की की तरह जिंदगी जीने का मतलब आप समझती हैं? ये मोहब्बत नहीं, चार दिन का बुखार है। नेक दिली और बहादुरी की कोई कीमत नहीं होती। फिर उस लड़के के पास कोई सल्तनत हो या ना हो, लेकिन वो शहजादा ही कहलाएगा। कितनी कोशिश की, लेकिन हमने क्या किया? खुद घर से इंसान के लिए हमने उनसे लड़ाई कर ली, उनसे इतनी बदतमीजी से बात की हमने। अम्मी ने हमारी इतनी फिक्र कर दी है। हमारे अम्मू जो हमसे इतनी मोहब्बत करते कि बगदाद का शहंशाह होने के बावजूद भी
उस बेवकूफ नालायक काले चोर को उन्होंने अपनाया, लेकिन उस काले चोर ने क्या किया उनके साथ? उस काले चोर ने हमारे अब्बू पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि वो मर चढ़े। हम ये जानते हैं कि तुम्हारा बाप बगदाद के लिए धब्बा था और तुम भी बगदाद के लिए एक धब्बा हो। बस, जो अपने गुनाह छुपाना चाहता है वो दूसरों पर ही उंगली उठाता है। मुझ पर, मेरे अब्बू पर इल्जाम लगाने से पहले ये सोच लीजिए कि अगर मैं आप पर इल्जाम लगाना शुरू करूंगा तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन इल्जाम नहीं। अब हमारा दूसरा तीर चलेगा, असली मजा तो तब आएगा। आप रहनुमा नहीं, लुटेरे हैं, गरीबों के दुश्मन हैं। आपने पहले अंगूठी के चिन्ह को अपना गुलाम बनाकर बगदाद में दहशत फैलाई, लोगों को सताया, उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। आप मेरे भाई, मेरे जिनू जादुई चिराग के चिन्ह को काबू में करना चाहते थे। अगर यहाँ कोई चोर है तो वो आप है, मैं या मेरे अब्बू नहीं। मुझे मालूम है कि आप एक अच्छे सच्चे नेक दिल बादशाह के शक्ल में सबसे बड़े चोर हैं। आप मुच्छड़ हैं। होश मारो लड़के। तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? हाँ, जानता हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मुच्छड़, जिसके सर पर शैतान का साया हो, उसका चलाया हुआ तीर कभी चूक ही नहीं सकता। बेहतरीन। लोगों ने जिस बादशाह को सराखों पर बैठा कर रखा, उन्हें क्या पता था कि वही बादशाह उन्हें तबाह करने की तैयारी कर रहा है? वो नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे अब्बू बेकसूर थे और तुमने उन्हें फंसाया है। लेकिन सच सातों दिन छुपता नहीं। मैं तुम्हारी असलियत और तुम्हारे इरादे सबके सामने लाऊंगा। मुच्छड़, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।